बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ साइमा जब्बी। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। सबसे पहले 10 हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि चीन में बैलेट एंड फोरम का इनेकाद तारीखी मौका है। हम इस वक्त जो इकोनॉमिक दौर में दाखिल हो रहे हैं, बैनुल बराजमी तामुन का नया दौर शुरू हो रहा है। वन बैलेट वन रोड मनसूबा 3 बराजमों को मिलाएगा। बीजिंग में बैलेट एंड फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि हम वन बैलेट वन रोड की कामयाबियों का एतराफ करने जमा हुए हैं। मंसूबे से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को मिलाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने NA-56 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो इमरान खान के साथ मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। रावलपिंडी के इलाके ढोखब्बा में अवामी मुस्लिम लीग के जलसे से खिताब में शेख रशीद का कहना था कि हनीफ अब्बासी पर 2 टन मंशियात का केस है, फ्लैट कतरी के हैं, ना किसी और के, ये नवाज शरीफ के हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में 2 लीडर हैं, इमरान खान और शेख रशीद, जबकि अपोजिशन में भी सिर्फ इमरान खान और शेख रशीद हैं। झेलम पुलिस की आला कारकर्दगी, थानों में खड़ी लाखों करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां कबाड़ बन गईं। मुख्तलिफ मुकदमात में बंद की गई मोटरसाइकिलों और कारों के कीमती स्पेयर पार्ट्स निकालकर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। लाखों करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां मोटरसाइकिलें कबाड़ की नजर हो गईं। झेलम थाना सिटी में अरसा दराज से खड़ी मोटरसाइकिलें कबाड़ खाने में डालना शुरू कर दी गईं। अरसा दराज से मुख्तलिफ मुकदमात में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें आज पुलिस लाइन के कबाड़ खाने में भेजना शुरू कर दी गईं। खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स और पेट्रोल तक निकाल कर बेच दिए गए। ड्रग इंस्पेक्टर तालब कयानी ने तहसील दीन और गिरदोनवा के तमाम मेडिकल स्टोर मालकान से दौरान मीटिंग ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वारंटी के बगैर अद्वियात रखने वाले मेडिकल स्टोर मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जैदुल मियाद अद्वियात भी रखने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह अद्वियात से रिएक्शन के केस कम होंगे। सबसे जो बेस्ट हाल है ना, जैसे कि आपको आज पता है कि हमने मीटिंग बुलाई हुई थी, वहाँ पर हमें ये डिसाइड किया कि ये जितने भी मेडिकल स्टोर हजरात हैं, ये मेडिकल रैप्स हों, पेडलर्स हों या ऐसे लोग जिनके पास वारंटी ना हो, उनकी मेडिसिन मत लो। जब ये स्टोर हजरात ये मेडिसिन लेना बंद कर देंगे तो फिर उनके पास एक रास्ता रह जाता है, वो बैग में उठा के जैसे फेरी वाला फिरते हैं ना, फिर उनको डिटेक्ट करना, उनको सेग्रीगेट करना इजी हो जाएगा, फिर उनको पेडलर की फॉर्म में चलान करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिला झेलम में कौमी मर्दमो खाना शुमारी के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इकबाल हुसैन खान के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर झेलम सैगम नवाज, DC हाउस के सामने सदीकी हाउस पर नंबर लगाकर इफ्तिताह किया गया। डिप्टी कमिश्नर इकबाल हुसैन खान ने कहा कि जिला झेलम की 4 तहसीलों और कंटोनमेंट बोर्ड इलाके को सेंसिस डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है, जबकि 4 तहसीलों और कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके को 1233 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर और कंटोनमेंट बोर्ड में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने इलाके में मर्दमशुमारी के अमल की निगरानी के जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि जिला झेलम में पहले 15 दिन के दौरान 616 ब्लॉक्स की मर्दम खाना शुमारी मुकम्मल कर ली गई है और आइंदा 15 रोज में बाकी ब्लॉक्स की खाना और मर्दमशुमारी की जाएगी। माँ के आलमी दिन के हवाले से झेलम मियाँ मोहम्मद बख्श ट्रस्ट के जेर एहतमाम सेहतमंद माँ सेहतमंद मुआशरे के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी मेहमान खसूसी बेगम DC झेलम डॉक्टर शहजाना इम्तियाज, डॉक्टर शीबा अक्रम हाशमी, डॉक्टर सवेरा और दीगर थी। सेमिनार में शरीक एक मुअम्मर खातून ने दौरान सेमिनार अपने सोने का कंगन ट्रस्ट अस्पताल को अतिया कर दिया। डॉक्टर शहजाना इम्तियाज ने माँ की सेहत पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे जिले में माओं में अक्सर कैल्शियम और फौलाद की कमी है और ये बहुत अहम मसला है, इसके लिए ठोस इकदाम करना होंगे। मेहमान खसूसी बेगम DC झेलम ने कहा कि सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद सेहतमंद माँ है। मियाँ मोहम्मद बख्श ट्रस्ट अस्पताल का मिशन भी माँ और बच्चे को सेहत और जदीद तरीन सहूलियात फराहम करना है। तहसील दीना के नवाही इलाके लद्दड़ में कब्जा माफिया ग्रुप ने कई किसानों की जमीनों पर कब्जा करके किसानों को जमीनों से महरूम कर दिया। खलील अहमद ने बताया कि वो अपनी जमीनों पर मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, मगर कब्जा माफिया आरिफ ने मेरी जमीन पर कब्जा करके हमें फाके करने पर मजबूर कर दिया और जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। मेरी जमीन पे ना कब्जा करना शुरू कर दिया, इसने ले लिया दौलत वगैरह को दूसरे नंबर जो वो रकबा टोटल जनाब 16 कनाल 11 मरले जिदे इसने 12 मरले खरीदी है उन्होंने दौलत वगैरह को मैं आखिर मैं साड़ी जमीन पर तू कब्जा ना कर,
इन्हें फिर जोर दे सिरा ते साका जा जो गोंदी कर लै ते नाल बदमाश लाए बंदे चाली पंजा लाके मैं कला बनना बिल्कुल ही मैं चला गया थाने एस एच ओ साहब ने गल की है एस एच ओ साहब मेरी बड़ी गल सुनी है और बड़ा इंसाफ उन्हें मतलब दवाया उन्होंने बुलाया ने उस आके जा एस एच ओ साहब ने आख्या जा जो गोंदी कर लै मैं कदे थाने ना आया जिंदगी में। मैंने थाना मंगला में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई मगर इसने हाई कोर्ट से जमानत करवा ली। ये इस मुकदमे में इस तरह के दौलत खान और खलील नामी दो शख्स हैं, ये आपस में रिश्तेदार हैं, इनकी एक मुश्तरका ज़मीन है यूनियन कौंसिल लदड़ के सामने, इसकी निशानदेही अभी तक महकमे माल से नहीं हुई थी। तो दौलत खान ने एक चालबाजी की है, उसने चालबाजी से अपनी ज़मीन फरोख्त कर दी है। एक कब्ज़ा ग्रुप टाइप का कोई बंदा है, आरिफ नाम चौधरी आरिफ नाम का बंदा, उसको फरोख्त कर दी है। चौधरी आरिफ साहब मेन रोड के ऊपर से 12 मरले ज़मीन बगैर निशानदेही वहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये हमारे पास आया खलील, उसने हमें एप्लीकेशन दी है कि मैं इसके पास गया हूँ तो इसको मना किया है। तो चौधरी आरफ साहब ने पिस्टल भी निकाल लिया और दो बंदे और भी आ गए, उन्होंने जान से मारने की हमें धमकी दी है। इस बेस पे हमने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है, हम उसकी तफ्तीश कर ली है, कर रहे हैं इस वक्त। मज़ीद दो एप्लीकेशनें और भी आ गई हैं इस आरफ के ख़िलाफ़ कि ये और भी कब्ज़ा करने की इसने ज़मीन लोगों की ज़मीन की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह ताला मेरिट के ऊपर तफ्तीश करेंगे और इस तरह के जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उनका अपने थाने से खात्मा करेंगे। ये हमारे डीपीओ साहब की और आला अफसरान की हदायत है कि गरीब मस्कीन आदमी है उसका साथ देना है और कब्ज़ा ग्रुप जितने भी हैं उनका खात्मा करना है। और इंशाल्लाह इंचार्ज थाना मंगला तारक बिन अजीज़ का कहना था कि मुलजिम कितना ही बासर क्यों ना हो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता, बहुत जल्द मुलजिम पुलिस की हिरासत में होगा। नून लीगी सबसे अच्छा राग अलाप रहे हैं जबकि हुकूमत अपनी साख खो चुकी है। चेयरमैन इमरान खान ने इस मुल्क में घिसे पिटे सियासी निज़ाम को ख़त्म करने और हकीकी अवाम दोस्त निज़ाम को लाने का तहैया कर रखा है। पाकिस्तान की अवाम सख्त मायूसी और नाउमीदी का शिकार है और किसी नजात दहिंदा की राह तक रही है। अभी हमारा काम है कि इस नाउमीदी और मायूसी में इनका सहारा बने। चौधरी जाहिद अख्तर। जिला जेलम की चारों तहसीलों में 6 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। आटा और चीनी पर खसूसी सब्सिडी दी जाएगी और रमजान बाजार में गर्म मौसम के पेश नजर पंखे और एयर कूलर लगाए जाएंगे ताकि सार्फीन पुरसकून माहौल में खरीदारी कर सकें। डीसी जेहलम इकबाल हुसैन। हम दावों पर नहीं अमली इकदामात पर यकीन रखते हैं, तरक्याती काम हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है, अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। पार्टी में मुखलिस और पढ़े लिखे नौजवानों को अवाम की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। चेयरमैन बल्दिया दीना मियां मोहम्मद आशिक। पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर यूनस खान टेस्ट सीरीज में 10 कैच लेने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में यूनस खान ने बिशू का कैच लेकर सीरीज में 10 कैच लेने का एहसास अपने नाम कर लिया। इससे कबल एक सीरीज में यूसुफ और तौफीक उमर ने 9-9 कैच लिए थे। यूनस खान एक सीरीज में 10 कैच लेने वाले ये पहले पाकिस्तानी फील्डर बन गए। मुनफरिद एजाज अपने नाम करने वाले मायानाज बैट्समैन यूनस खान का यह आखिरी टेस्ट मैच है। वो दूसरी इनिंग में बैटिंग करने के लिए आए तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और मालूमात के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.10newspk.com और देखते रहिए 10 न्यूज़।